अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम बात करेंगे ग़िज़ा से शिफा। आपने ग़िज़ा से इलाज तो किया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में इतनी कुदरत रखी है कि इनसे शिफा भी हासिल की जा सकती है। मैं जो भी बात करूँगी वो एक किताब है जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, गुड बाय ल्यूपस। ये डॉक्टर गोल्डनर ने अपनी स्टोरी लिखी है कि किस तरह उसने अपनी जो ल्यूपस बीमारी है उसको ग़िज़ा के ज़रिए उससे निजात हासिल की। और फिर वो 15 साल से लोगों को ये बता रही है कि आप अपनी ग़िज़ा तब्दील करें तो उससे आप शिफा हासिल कर सकते हैं। आप डॉक्टर गोल्डनर की किताब भी पढ़ सकते हैं, और उसने वेबसाइट भी बनाई हुई है गुड बाय ल्यूपस के नाम से, और उसका फेसबुक पेज भी है। तो आपको पता है कि हार्ट अटैक जो होता है, जिसको दिल का दौरा कहते हैं, वो शरियान के बंद हो जाने से होता है। हमारी शरियानों में चर्बी की तह जम जाती है, जिससे खून का दुरानिया रुक जाता है, और जो हमारा दिल है उसके उजलात मुर्दा हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक होता है और इससे मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि उम्र के कुछ लोगों को फालिज का अटैक हो जाता है, जिसमें कई दफ़ा ज़बान बंद हो जाती है और हाथ पांव हिलने से रह जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा कुछ लोगों को ज़्यादीतस हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसमें ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का ख़तरा भी बढ़ जाता है, फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है, और कई लोगों को अपनी टांगें भी कटवानी पड़ती हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो कम पैदा होती है और उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी डॉक्टर जो है आपको दवाइयाँ दे देते हैं और फिर सारी उम्र दवाइयाँ खाते ही गुजर जाती है। इसकी अलामात ज़्यादा तौर पे महसूस नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हो जाए तो मॉडर्न मेडिसिन में उसका कोई इलाज नहीं है। फिर सब बीमारियों की जड़ मोटापा है, ये खुराक की वजह से होती है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, या हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि हम ओमेगा 6 ज़्यादा लेते हैं। ओमेगा 3 जो है वो हमारी खुराक में कम होता है। आमतौर पे ओमेगा 3 अखरोट में, मछली में और अंडों में पाया जाता है, लेकिन ओमेगा 6 जितने भी हम ये वेजिटेबल्स कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इन सब में ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे पेट के ऊपर और कूल्हों के ऊपर चर्बी की शक्ल में जम जाता है और हमारी शरियानों को भी तंग कर देता है। तो ये जैतून का तेल है जिसमें ओमेगा 3 होता है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि आप जैतून के तेल में खाने बनाएं। इसी तरह जितना भी ये दूध, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पनीर वगैरह आता है, ये हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो हमें इनको, अगर आपको कोई इनमें से कोई तकलीफ़ है तो इन चीज़ों को छोड़ दें। तो ग़िज़ा में कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करें। कच्ची सब्ज़ियों में भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कम अज़ कम अपनी ग़िज़ा में आधा किलो कच्ची सब्ज़ियाँ खाएं, जिनमें पालक, गोभी, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, चिकंदर, शलजम और मूली के पत्ते शामिल हैं। ये मिनरल और वाइटामिन का एक बेशबहा ख़ज़ाना है कुदरत की वजह से। डॉक्टर आमतौर पे आपको सप्लीमेंट्स की गोलियां लिख देते हैं, और कोई भी आम डॉक्टर जो है वो आपको सब्जियां खाने का मशवरा नहीं देता। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक और बहुत अच्छी चीज़ से नवाजा है, जिसको अलसी कहते हैं। अलसी जो है वो एक ओमेगा 3 का नेचुरल ज़रिया है। इसमें बहुत ज़्यादा, मछली से भी ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। इसको पीस कर 2 बड़े चम्मच सुबह और 2 बड़े चम्मच शाम को अलसी खानी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये हमारे जिस्म में से ओमेगा 6 को साफ करता है। इस तरह पानी जो है वो रोज़ाना 1 गैलन पानी पीना चाहिए, जो कि 3.25 लीटर बनता है। पानी इसलिए पीना चाहिए कि जितना भी हम
जो हमारे जिस्म में फासद मादे होते हैं वो निकल सकें, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो 70% पानी है। तो पानी हम नहीं पीते तो हमारा जिस्म उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन हमें नाप कर कम से कम 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो अब करने के काम ये हैं कि हमने कच्ची सब्जियां रोज खानी है, कम से कम आधा किलो, ज्यादा जितनी मर्जी खा सकते हैं। पानी पीना है 3.25 लीटर, और नाप कर पीना है, उससे कम नहीं पीना। और फिर अलसी पीस कर खानी है, 2 चम्मच सुबह और 2 शाम को। और फिर हमने वर्जिश करनी है, क्योंकि वर्जिश करने से एंडॉर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि इंसान को तमानियत देते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने से ही इत्मीनान हासिल होता है। तो मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखी। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, और जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर किया उनको फैलाएंगे। उम्मीद है आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।